बसमिल डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस एंड इन लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी आज एप्सल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज सेवन स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स एब्सल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं द एपोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड ए एब्सल्यूट वैल्यू का ये साइन है दो लाइंस लगाएंगे जिस वैल्यू की भी एब्सल्यूट लेनी है इज डिफाइंड एज एप्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए एप्सोलूट वैल्यू ऑफ ए प्लस ए के इक्वल तब होगा जब ए ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगा और माइनस ए के इक्वल तब होगा जब ए लेस देन ज़ीरो होगा फॉर एग्जांपल सिक्स की एप्सोल्यूट वैल्यू इसको अगर हम एप्सल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना चाहें तो प्लस माइनस सिक्स दोनों साइंस लगा देंगे तो एप्सोलूट वैल्यू रिमूव हो जाएगी एप्सोलूट वैल्यू ऑफ जीरो ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज जीरो के साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव होता है एंड माइनस सिक्स एप्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव सिक्स यानी एप्सोल्यूट वैल्यू में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं एप्सोल्यूट रिमूव हो जाएगा अब एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट है एप्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन सोल्यूशन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जीरो के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है तो इस एप्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करें भी तो प्लस माइनस जीरो नहीं आएगा सिंपली जीरो आएगा ऑल एप्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशल्यूशनस फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हमने ऊपर जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें एप्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू जीरो का सिर्फ एक सोल्यूशन है तो तमाम एप्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के दो सोल्यूशंस पॉसिबल नहीं होते तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगी ये ट्रू हो है ये फॉल्स है थर्ड स्टेटमेंट द इक्वेशन एप्सल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इज इक्वल एन टू एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू यह भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी थी एप्सल्यूट सिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स तो सेम इसी तरीके से अगर इसका हम सोल्यूशन निकालें तो एप्सल्यूट वैल्यू रिमूव करेंगे तो यहां प्लस टू और माइनस टू दोनों साइनज आएंगे तो ये इक्वेशन ट्रू है फोर्थ स्टेटमेंट है द इक्वेशन एक्स माइनस फोर एप्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस फोर हैज नो सोल्यूशन ये ट्रू स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि एप्सोल्यूट वैल्यू का आंसर नेगेटिव नहीं होगा अगर नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है तो इस एप्सल्यूट को हम रिमूव नहीं कर सकते यहां अभी हमने पढ़ा कि माइनस सिक्स को प्लस सिक्स लिखेंगे तो किसी भी वैल्यू या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एब्सल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो चूंकि यहां माइनस फोर दिया हुआ है इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा द इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री एब्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू फाइव इक्वल एंड टू टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव और टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव तो ये फॉल्स है क्यों कि 2x एक्स माइनस से जब एप्सोल्यूट वैल्यू को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस फाइव आएगा साइन इसका चेंज नहीं होना उसने जो सोल्यूशन में लिखा हुआ है वो माइनस थ्री यहाँ पर तो ठीक लिखा है लेकिन यहाँ माइनस थ्री होना चाहिए था और यहाँ माइनस फाइव होता तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होती अब हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे जिनमें एप्सोल्यूट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू करेंगे सॉल्व फॉर एक्स फर्स्ट पार्ट है थ्री एक्स माइनस फाइव एप्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू फोर अब इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे अब एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करना है तो थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर के साथ प्लस माइनस साइन आ जाएगा अब थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर और थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस फोर ये माइनस फाइव राइट साइड पे जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा तो माइनस फोर प्लस फाइव आ गया इसी तरह यहां पे भी माइनस फाइव राइट साइड पे जाके प्लस फाइव हो जाएगा अब फाइव माइनस फोर करें तो रिजल्ट वन आया तो थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है राइट right साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन बाय थ्री यहां से फोर प्लस फाइव नाइन ये थ्री राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री अब एप्सल्यूट वैल्यूज़ वाली इक्वेशंस को भी चेक करेंगे एक्स की ये दोनों वैल्यूज़ वन बाय वन गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे अगर इक्वेशन वेरीफाई होगी तो सोल्यूशन में वो वैल्यू लिखेंगे अदरवाइज़ वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा अब चेक करेंगे पहले x की वैल्यू वन बाय थ्री गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे थ्री इन वन बाय थ्री माइनस फाइव एप्सोल्यूट इज इक्वल टू फोर ये थ्री थ्री से कैंसिल हो गया वन माइनस फाइव माइनस फोर एप्सल्यूट यहां पे वन बचा था वन में से फाइव माइनस किया माइनस फोर आ गया अब माइनस फोर की एप्सल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस फोर के इक्वल होती है तो फोर इज इक्वल टू फोर आ गया अब सेकंड सोल्यूशन है हमारा थ्री अब x की वैल्यू थ्री पुट करेंगे थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव एप्सल्यूट इज इक्वल टू फोर थ्री थ्री दाइन नाइन नाइन माइनस फाइव फोर एप्सल्यूट इज इक्वल टू फोर तो फोर इज इक्वल टू फोर आ गया इट मींस के सोल्यूशन में वन बाय थ्री भी आएगा और x इज इक्वल टू थ्री भी आएगा ये दोनों ही सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे अब फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे थ्री प्लस टू एक्स एपसोल्यूट इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सेवन एप्सोल्यूट अब दोनों साइड्स पे एप्सोल्यूट वैल्यू है एप्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव कर दें किसी भी एक साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा दें अब थ्री प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन और थ्री प्लस टू एक्स

अब यहाँ से सिक्स एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री राइट साइड पे जाके माइनस थ्री हो जाएगा टू माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस टेन ये माइनस माइनस से कैंसल हो जाएगा टू प्लस सिक्स एट एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस थ्री फोर तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फोर डिवाइडेड बाय एट और इसकी कटिंग हो जाएगी वन बाय टू यहाँ पे x इज इक्वल टू फोर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फाइव ओवर टू ये कटिंग हो गई टू टू ज़ार फोर टू फाइव ज़ार टेन अब ये दोनों वैल्यूज एक्स की बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू इन गिवन इक्वेशन ये गिवन इक्वेशन है थ्री प्लस टू एक्स थ्री प्लस टू इंटू एक्स की जगह वन बाय टू आ गया एब्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स की जगह वन बाय टू आएगा माइनस सेवन अब ये टू इस टू से कैंसिल हो गया थ्री प्लस वन फोर आ गया टू सिक्स के साथ कटिंग होगी तो टू थ्री दर सिक्स थ्री इंटू वन थ्री थ्री माइनस सेवन माइनस फोर फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी फोर होती है माइनस फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी फोर होगी तो ये वेरीफाई हो गया अब दूसरी वैल्यू एक्स की फाइव बाई टू यहां पुट करेंगे थ्री प्लस टू इंटू एक्स की जगह फाइव बाय टू आ जाएगा एप्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू फाइव बाय टू माइनस सेवन अब ये टू टू से कैंसिल हो गया यहां पे टू थ्री दर सिक्स कटिंग हो जाएगी थ्री प्लस फाइव एट थ्री फाइव फिफ्टीन माइनस सेवन एट तो एट, एट एप भी एट के इक्वल और यहां पे भी एप्सल्यूट एट एट के इक्वल होगा ये भी वेरीफाई हो गया तो सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे तो इन तो इस एप्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वन बाय टू एंड फाइव बाय टू अगर इक्वेशन वेरीफाई ना करें फॉर एग्जांपल ये दो वैल्यूज थी इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो सलूशन में आप सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे दूसरी वैल्यू अगर लिखेंगे तो उसके साथ ब्रैकेट में एक्सट्रेनियस सोल्यूशन लिखना जरूरी होगा जी स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन का पार्ट फाइव करेंगे एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स प्लस टू एप्सोल्यूट अब ये एप्सल्यूट वैल्यू वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए एक्स प्लस टू एक एप्सोल्यूट वैल्यू में ऑलरेडी है ये लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा इज इक्वल टू फाइव राइट साइड पे बचा माइनस थ्री राइट साइड पे जाके प्लस थ्री हो जाएगा अब ये दोनों टर्म्स सेम हैं और दरमियान में पॉजिटिव साइन है तो ये टू टाइम्स एक्स प्लस टू लिखा जा सकता है जैसे हम x प्लस एक्स को 2x लिखते हैं तो ये भी दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो टू टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस टू इज इक्वल टू एट टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एट डिवाइडेड बाय टू यहां से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट x प्लस टू इज इक्वल टू फोर अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करके प्लस माइनस फोर लिखेंगे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस फोर प्लस टू राइट साइड पे जाएगा माइनस टू हो जाएगा ये भी राइट right साइड पे जाके माइनस टू हो गया यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टू अब इसको चेक करेंगे चेक करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे पहले एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स पुट करेंगे अब माइनस सिक्स लगाए गिवन इक्वेशन में एक्स की जगह माइनस सिक्स प्लस टू एप्सोल्यूट माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस एप्सल्यूट एक्स की जगह माइनस सिक्स आ गया प्लस टू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर आ जाएगा माइनस फोर की एब्सिल्यूट वैल्यू प्लस फोर के इक्वल होती है फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस माइनस फोर की एब्सिल्यूट वैल्यू फिर प्लस फोर हो गई फोर माइनस थ्री वन इज इक्वल टू वन तो माइनस सिक्स पुट करने से दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम आया अब एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो ये आ जाएगा x की जगह टू आएगा टू प्लस टू एप्सल्यूट माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स की वैल्यू टू यहां पे भी पुट कर देंगे टू प्लस टू टू प्लस टू फोर आ गया माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर एप्सोल्यूट फोर फोर के इक्वल होता है माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस ये भी फोर आ जाएगा तो फोर माइनस थ्री वन इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर वन तो ये रिजल्ट भी सेम आया लिहाजा सोल्यूशन सेट में एक्स की जो दोनों वैल्यूज निकली हैं दोनों ही इसका सोल्यूशन होगा माइनस सिक्स एंड टू अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व नेक्स्ट बोर्ड पे जी स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको ऐसे ही लिख लेंगे थ्री माइनस फाइव एक्स ओवर फोर माइनस वन बाय 3 इक्वल टू टू बाय थ्री अब माइनस वन बाय थ्री को पहले राइट right साइड पे ले जाएंगे ताकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सल्यूट वैल्यू वाली टर्म बच जाए ये राइट right साइड पे जाके प्लस वन बाय थ्री हो जाएगी अब 3 माइनस फाइव एक्स ओवर फोर एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे टू प्लस वन थ्री थ्री ओवर थ्री रिजल्ट वन आ जाएगा अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिमूव करेंगे प्लस माइनस वन हो जाएगा एक दफा माइनस वन के इक्वल लिखेंगे इसे और एक दफ़ा प्लस वन के इक्वल फोर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फोर यहाँ पर भी फ़ोर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा थ्री माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू प्लस फोर माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू प्लस थ्री राइट साइड पे जाके माइनस थ्री हो गया यहाँ पे भी प्लस थ्री राइट साइड पे जाके माइनस थ्री हो जाएगा तो माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सेवन माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू वन माइनस माइनस से कैंसिल हो गया यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई सेवन ओवर फाइव और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर फाइव अब इसको चेक करेंगे चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू सेवन ओवर फाइव इन गिवन इक्वेशन अब ये गिवन इक्वेशन है थ्री माइनस फाइव एक्स एक्स की जगह सेवन ओवर फाइव आ जाएगा ओवर फोर एप्सल्यूट वैल्यू माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री ये फाइव फाइव से कैंसिल हो गया थ्री माइनस सेवन माइनस फोर ओवर फोर एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री फोर को फोर से डिवाइड करें रिजल्ट वन आएगा माइनस वन एप्सल्यूट माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू वन के इक्वल होगी वन माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री अब इसका थ्री एलसीएम लें तो थ्री माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री तो लेफ्ट साइड पे भी टू बाय थ्री आ गया राइट साइड पे भी टू बाय थ्री है तो ये वेरीफाई हो गया अब दूसरी वैल्यू माइनस वन ओवर फाइव है माइनस वन ओवर फाइव को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं थ्री माइनस फाइव इंटू एक्स की जगह माइनस वन ओवर फाइव आ जाएगा ओवर फोर एप्सल्यूट माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री ये फाइव फाइव से कैंसिल हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर ओवर फोर माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री फोर ओवर फोर वन आ गया वन की एप्सोल्यूट वैल्यू वन ही होगी तो वन माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री अब वन माइनस वन बाय थ्री को भी हमने यहाँ सॉल्व किया रिजल्ट टू बाय थ्री आता है तो टू बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री तो ये दूसरी वैल्यू पुट करने से भी बहुत साइड्स का रिजल्ट सेम है लिहाजा सोल्यूशन में दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी तो इसका सोल्यूशन सेट होगा सेवन ओवर फाइव एंड माइनस वन ओवर फाइव तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू कंप्लीट की इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कराए वो आप ख़ुद सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज